मामला जनपद हमीरपुर की राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला सिकंदरपुरा का है, जहां पर दो पड़ोसियों में किसी बात को लेकर गोली चल गई, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा पक्ष गंभीर रूप से घायल है। दोनों को स्वास्थ्य केंद्र राठ में पहुंचाया गया, जहां पर एक को डॉक्टर किटरों ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे को औपचारिक इलाज के बाद हालत खराब होने पर झांसी रेफर कर दिया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दो अवैध तमंचे सहित मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और घटना का जायजा लेते हुए साक्ष्य आए हैं। सूचना मिलते ही जनपद हमीरपुर से अपर पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल सुरेश यादव लेखपाल संघ के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह की हत्या को लेकर उसे गोली मारी गई है। कुछ समय पहले विक्रम की हत्या कर दी गई थी, जिसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और पुलिस ने उससे मदद मांगी थी, जिस पर उसने मदद की थी। उसी खुंदक में रघुवीर यादव ने उसे गोली मार दी और राजवीर कैसे मरा है मुझे नहीं पता। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुरेश यादव ने उसके पुत्र को गोली मार दी, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, जिससे उसके पुत्र की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल की जांच कर पड़ोसियों के दर्ज कर लिए गए हैं और मामला लिखा जा रहा है। आगे जो भी विवेचना में तथ्य सामने आएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम राजवीर यादव बताया जा रहा है, जबकि सुरेश यादव नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आइए, घटना हुई, क्या मामला है और क्या घटना हुई? ये थाना राठ के सिकंदरपुर एरिया में आज शाम लगभग 7 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। मौके पे जब पुलिस टीम पहुंची तो ये मालूम चला कि रघुवीर नाम का एक व्यक्ति है, जिसके कि सीने में गोली लगी थी। उसे उपचार के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक सुरेश नाम का व्यक्ति है, जो आसपास के लोगों ने बताया है कि उसने गोली चलाई थी। परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। यहाँ फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, जो मौके के एविडेंस हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, आसपास के लोगों के बयान नोट किए जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। क्या सब पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया? ये दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के दूर के रिश्तेदारी में लगते हैं और बिल्कुल अगल बगल इनका मकान भी है, तो ऐसी कोई पुरानी रंजिश अभी सामने नहीं आई है। पर इसमें और विवेचना का विषय है, ये विवेचना के बाद जो भी बातें आती है उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।